भाई लोग सुनो, अरे सुनो। अरे क्या हुआ? अरे आज जो लक्ष्मी है ना, वो गायब हो गई है। क्या टीचर, क्या हुआ यहाँ पर? कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे वो लोग कब से गायब हैं? अरे आप लोग रोई जा रही, पहले ये बताइए कि वो कब से गायब है। लगता है रात से ही गायब है। उन लोगों के रूम में जो ड्रेस रखा था गायब है, जब हमने देखा तो बाहर पड़ा था, उसे निकालने के लिए गए थे। तब तुम उनके साथ नहीं गई थी क्या? नहीं, मैं कल बहुत थक गई थी। हाँ। तो मैं जल्दी सो गई। सुबह उठकर देखा तो वो लोग नहीं थे। जंगल के कोने कोने में छाना, लेकिन कोई भी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जरूर आएंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। ठीक है, क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेन करें? हाँ, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, यही ठीक रहेगा। सर, क्या हम थोड़ा ढूंढ कर देख ले क्या? पुलिस में जाकर केस करके देखते हैं। हम जहाँ पर भी देख सकते थे हमने देखा है, अब और कहाँ जाकर ढूंढेंगे उनको? इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। क्या कहते हो? वही ठीक रहेगा सर, हम लोग भी उनका कितना इंतजार करेंगे। बेलो, चलो नहीं होगा। चलिए, ला दो। मैंने आपको फोन किया था। गर्ल्स आर मिसिंग, आपको कब पता चला? सही टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन कल रात को हुआ। एक काम करो, इसके आसपास के परिसर में ढूंढो, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए आप लोग आइए। वो लड़के कहाँ पर सो रहे थे? वो उस कमरे में। जो गायब हुई है, उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा मतलब किसी लड़के के साथ? सर, यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह देख लिया सर, कुछ भी नहीं मिला सर। आप यहाँ की टीचर है? हाँ सर। नाम क्या? रेवती। जिस दिन वो गायब हुए, वो आखिरी बार कहाँ थे? ये वहाँ थी सर, ये और वो दोनों एक ही कमरे में थे। तुम इधर आओ, बिना डर के बताओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? वीना। ओके। तुम्हारे साथ वो लोग कितनी देर तक थे? मैं उस समय उनके साथ थी सर। तुम नॉर्थ इंडियन हो? हाँ सर। कोई बात नहीं, हिंदी में बताओ। कल खाना खाने के बाद हम लोग अपने कमरे में आ गए और सिंधु उस कमरे में चली गई। क्या बात है वो? लेकिन बताओ ना, डरो मत, बताओ। उसके बाद सर, अब तो तुमने इसी में रखा था, अभी मिल क्यों नहीं रहा है तुम्हें? मैंने भी इसी में रखा था यार, नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा तो नया टॉप था, वो भी गायब हो गया। अंजू, सुमित्रा, तुम लोग बेकार में झगड़ा मत करो, तुम्हारा ड्रेस यहाँ रखा है, ये देखो। कहाँ? अरे यहीं पर है, देखो ना। हाँ, चलो चलो चलो। वो देखो, ड्रेस तो वहाँ है, हम परेशान हो रहे हैं। ये पक्का उन्हीं लोगों का काम होगा, चलो चल के उनकी खबर लेते हैं। अब ये सब छोड़ो यार, चलो पहले ड्रेस लेके आते हैं। चलो ना तुम भी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे डर लगता है। देखो मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझ गए ना तुम लोग? अब जाओ, गुड नाइट। अरे सुनो तो, तुम भी तो हमारे साथ चलो ना। इन सब से अच्छे से पूछताछ करो। जी सर। We'll be right back.
शक वाली कोई बात दिख नहीं रही है सर। वीना तुम उनके साथ क्यों नहीं गई थी? तुम कह रही थी तुम्हें नींद आ रही थी। हाँ तुम सर? कुछ डर की बात कर रही थी, डर की वजह क्या है? वो क्या है ना सर, यहाँ पर भूत है ऐसा बताया है। क्या सर, इस बंगले में एक घटना घटी थी, उसका भूत भी यहाँ पर है, अभी ऐसा गांव वालों का कहना है सर। ऐसा? हाँ वैसे आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरा नाम मोहन है, मैं यहाँ के LP स्कूल में अध्यापक हूँ। तुम यहाँ के नौकर हो ना? हाँ सर, मेरा नाम वेलू है, माधोपुर का रहने वाला हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई है, कुछ ही दिन पहले यहाँ काम के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, ऐसा विश्वास करते हो क्या तुम? क्यों, तुमने कभी भूत देखा यहाँ? हाँ सर। अच्छा सुनो, ये जो भूत है वो साड़ी पहनकर, फूल सजाकर, गाने गाते हुए चले इधर सामने आओ। तुमसे बोल रहे हैं, वहां जाकर खड़ी हो। बैठिए बैठिए। नाम क्या तुम्हारा? जानू। हाँ? जानू। कौन सा गांव है तुम्हारा? मैंने क्या पूछा? तुमसे ही पूछ रहे हैं। कुंदरा। घर में और कौन कौन है? दो बच्चे और मेरी माँ, बस इतना ही, और कोई नहीं सर। तुम्हारा पति नहीं है? मुझे और मेरे बच्चे को अनाथ बनाकर, बच्चे को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया सर। 4 साल हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ रह रही हूँ सर। यहाँ पर कौन आता जाता है? तुमसे मिलने यहाँ पे और कौन कौन आता है बताओ, जल्दी बोलो। सर बेकार में मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाए, मुझसे यहाँ कोई नहीं आता मिलने, दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए यहाँ रहती हूँ सर। सर इसे हमें थाने लेकर चलना चाहिए। अरे सर। कोई फायदा नहीं, फिलहाल इसे यहीं छोड़ते हैं, चलो जाओ। मिस्टर गोवन। सर। आप फोन पर बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर आप एक दुकान पर पहुंचे, फिर आप वहां से इस बंगले तक पहुंचे, आप मुझे सब डिटेल में बताइए। हम लोग बम्बावली जाने के लिए निकले थे, पर्पस था स्टडी। अभी रघु कहाँ पर है? पता नहीं सर, अभी तक उसका फोन नहीं आया, हम भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट रीचेबल आ रहा है। कल संडे इसलिए वर्कशॉप में छुट्टी हो सकती है, कह रहा था कि किसी को दिखाकर गाड़ी रिपेयर करवा लेगा। गाड़ी आए या ना आए, सब लोग को यहीं पर रहना है। सर हम लोग नथिंग टू वरी, हम सब अभी अभी मिले हैं ना, सो इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू स्टॉप हियर। ओके चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है अब निकलते हैं, यहाँ पर सब लोगों की डिटेल कलेक्ट करो। ओके सर। और उस रघु का फोन ट्रेस करो और उसकी फोटो भी कलेक्ट करो। ओके सर। चलो सर, आइए सर। यहाँ सभी पुलिस वाले आकर गए थे, मुझे लगा किसी को पकड़ने के लिए आए होंगे, उस वजह से खुद मैंने अपने आप को नमस्ते साहब। हाय हाय बाद में, सुनो पहले इधर आओ। SI साहब को तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, वो वहां है। जाओ उनके पास। हाँ सुनो, तुमने जिन लोगों को बंगले में भेजा था ना, हाँ उनमें से 3 लड़कियां गायब हैं। साहब अब हमें कैसे पता होगा? हमें कैसे पता? अरे वो बगल के राशन वाले ने बताया। कौन है आदमी? यहाँ की सारी बातें उसे ही पता होती हैं साहब। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक ड्राइवर था, वो इस समय कहाँ है? वो क्या है ना सर, उस दिन रात को वो यहीं पर सोया था, मैंने उससे बताया घूमने की जगह, गाड़ी में जाकर सोने के बजाय तुम यहीं पर बिस्तर लगा कर सो जाओ।
अच्छा, उसके चाल ढाल और बर्ताव में कुछ फर्क था? उसके बर्ताव में कुछ सही नहीं दिख रहा था साहब, मैं अगर कहूँ। वजह? वजह बोले तो उस दिन रात को। अबे भाई, अरे इस वक्त कहाँ जाओगे? अरे गाड़ी में सोने। अरे वो सब छोड़ो, इस वक्त बेकार के लोगों के घूमने का टाइम है। तो फिर मैं कहाँ पे सोऊं? अब जो हमारे पास सुविधा है इसी में सो जाएंगे सब। लेकिन आपको तकलीफ होगी ना। क्या हो रहा है? ठंड में बाहर मत जाओ नहीं तो जम जाओगे। बाद में मैंने उठकर देखा तो वहां पर वो नहीं था। तुमने उसे ढूंढा नहीं? वैसे ढूंढने जैसा कुछ था नहीं साहब, मुझे लगा कि वो गाड़ी के बारे में ही सोच रहा होगा। एक काम करो, अगर कोई जानकारी मिले तो हमें बताना। हाँ साहब, बता दूंगा बता दूंगा। अरे ऐसे देखो मत, पत्ते फेंको, बेवजह में सोचता रहता है। ये ला, ये मेरी तरफ से, ये लो, ये लो। पुलिस, रुको रुको रुको, रुको काम भाग रहा हूँ, पकड़ो उसे, आज कल जाने ना पाए, पकड़ो उसे। ये रुक रुक, काम भाग रहा है, चल चल चल। सच सच बताओ रघु, वो लड़कियां कहाँ? सब कुछ सच ही तो बताया सर। सच सच बता दो मुझे, नहीं तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, इस हिसाब से अंदर डालूंगा तुम्हें, समझे? सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो बात मैं जानता नहीं उसे कैसे बता सकता हूँ। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ था? इंजन खराब हो गया था सर। इंजन की कंप्लेंट है? अगर इंजन में प्रॉब्लम होती है तो हम गैराज में लेकर जाते, क्यों? बताओ। इस तरह पूछने से सच नहीं बताएगा सर, एक बार मुझे मौका दीजिए, ये सब कुछ उगल देगा सर। रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूँ। देख, हम तेरे शरीर को चीर फाड़ सकते हैं, अब देख फैसला तेरे हाथ में है, चल। सोच बता, हरामखोर। बताता हूँ। क्या बात? अंदर जाकर देखो। ओके सर। अरे अंदर कुछ भी नहीं है सर, क्या बात? सब बताएंगे, शांति रखो। सर कुछ भी नहीं है। सर अंदर कोई भी नहीं है। इसे पकड़ के गाड़ी में डालो। चलो पिताजी, क्या हुआ? तुम परेशान मत, चलो मैं चलो। रुको, तुम यहीं रुको, मैं आता। हेलो सर। नहीं सर,
पूछताछ चल रही है सर। ठीक है सर, टीएस के डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ सर। ओके सर, ठीक है सर। जो लड़की मिसिंग हुई इसका बाप है, वो हमारी बिरादरी का है, वो यहाँ पर आ रहा है, हमें केस को संभालना होगा। अब इस केस की सीरियसनेस पता चल रही है। समझ गया सर। उस आदमी ने कुछ बताया क्या? नहीं सर। उसे मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर पाला था साहब। भले वो मेरी बेटी नहीं है, पर अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या हुआ, इसने कुछ बताया क्या? नहीं सर, इस आदमी की लड़की नहीं है, ये तो ऐसा बोल रहा है। बेटी नहीं है तो फिर कौन है? वो क्या है, ये कहानी है सर। लड़के को सहारा देने के लिए एक माँ भी साथ में रहा करती थी। वो लोग बहुत सीधे साधे थे।
वो रेखा आपसे मिलने आई है। क्या बात है सर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बताता हूँ, बैठो। बताइए सर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतने सवाल एक साथ पूछोगे कैसे बताऊंगा? उसका भी एक तरीका है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कल ऑफिस गई थी क्या? दो तीन दोस्तों से मिलना था सर। कौन सा दोस्त? मेरा क्लासमेट। तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहा था। ये तो मामूली बात है ना सर, बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल ऑफ हो गया। वैसे बात क्या है सर? सर उन लड़कियों की माँ है ये लोग। सर कुछ खबर मिली क्या? हमारे बच्चे कहाँ हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ पता चला? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ। सर मैं एसपी की औरत हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तो। प्लीज मैडम आप चिंता मत कीजिए, एसपी सर ने फोन पे बात की है, जितनी जल्दी होगा हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पीसी? यस सर। आप सबके लिए चाय की व्यवस्था करो। ठीक है सर। चाय पानी नहीं चाहिए सर, हमारे बच्चों को बस ढूंढ दीजिए। मैडम हमने इस केस को पर्सनली लिया है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जाइए आप, जाइए। चलती हूँ। ठीक है। सर आपने बताया नहीं मेरे पिताजी को यहाँ क्यों लाए, और मुझसे इस तरह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बंगले से तीन लड़कियां जो मिसिंग है, उस सिलसिले में जो संबंधित है हम उन्हें कस्टडी में लेंगे। समझ गई ना? बंगले में जो हो रहा है वो पहली बार थोड़ी ना है, ऐसे ही लोग गायब होते रहते हैं। इससे पहले तो आपने कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्हें ढूंढना तक नहीं। गांव में भी छानबीन करने का काम पुलिस ने नहीं किया। जो नुकसान हम झेल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है सर, इसमें छोटे बड़े कुछ नहीं है। एक औरत दो बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी, उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। उनकी कहानी भी तो सुनिए सर।